लाखों करोड़ों लोग जो लालू जी को चाहने वाले लोग हैं, जो हम लोगों को प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, जाहिर सी बात है कि अगर बहू आई है तो उनको देखने लोग आएंगे, तो व्यवस्था भी वैसी होनी चाहिए। लालू जी कब आएंगे? तो इसलिए लालू जी आएंगे, जल्द आएंगे, लेकिन उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, इसलिए हम लोगों को आना था, इसलिए हमारी माता ने यहाँ आने का काम किया। और जो रस्म रीति रिवाज जो है अपना, उसी तरीके से जो है बहू का अपने घर में स्वागत किया है। मुख्यमंत्री जी के तमाम लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने, मुख्यमंत्री जी ने, सबने आपको बधाई दी है, दिल से बधाई दी है, उन्हें क्या कहें? सुशील मोदी ने काफी तारीफ की है। बस बधाई देने की बात है तो ये तो परंपरा रही है, पॉलिटिकली एजेंडा अलग हो, विचारधारा अलग हो, लेकिन एक अच्छा एक प्रचलन है कि विरोधी होते हुए भी हम, चाहे खुशी हो या दुख हो, तो हम लोग एक दूसरे के लिए सब लोग होते हैं। ये तो इंसानियत होती है। इतना सादी तरीके से शादी करने का क्या रीजन रहा? अचानक से एसपी जैसे खुशखबरी दे दी, शादी की गई है। अच्छा, शादी कभी छुपता है? हम लोग को लगा कि परिवार है, दो परिवार एक दूसरे को और अच्छे से जाने पहचाने। अब मान लीजिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब लोग आते, तो हम लोग तो पूरे सभी परिवार के लोग उसी में उलझे रहते हैं, तो एक दूसरे को जानने का, बैठने का मौका कहाँ मिलता? और कोरोना काल में आप ही बताइए कैसे किया जाता। लेकिन फिर भी वो अलग बात है, हर चीज़ का हम लोग जो हैं ख्याल रखते हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि भाई सब लोगों को खुशियाँ तो बांटने से बढ़ती हैं, और जब खुशियाँ बढ़ेंगी बढ़ाने वाला काम क्यों ना करेंगे? सब लोग जिनसे आपने शादी की, उनका नाम है बहुत नाम में कंट्री। देखिए, रेचल उर्फ राजश्री, तो अब राजश्री इसलिए उन्होंने खुद स्वयं तय किया कि वो राजश्री कहलाएंगी, क्योंकि लोगों को प्रोनाउंसिंग में, कहने में, यहाँ के लोगों को या किसी के लोगों को दिक्कत ना हो। और राजश्री जो नाम दिया है, हमारे पिताजी ने ही नाम दिया है, तो अब यादव रहेगा। और तेजस्वी जी बेटर बेटर हाफ आने से सबसे डबल होगा। बेटर 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 हाफ आने से सक्सेस डबल होगा, क्या लगता है? नहीं देखिए, करवाओगे भाई? अभी हम लोग, आप लोग, सब लोग यही हैं, और आप लोग जानते हैं कि आप सब लोग, मीडिया के सभी हमारे साथी, सभी लोगों को आपके प्यार के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए, अपने और अपनी पत्नी के साथ आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देते हैं। और खुशी का पल हमारे परिवार में है, और हम लोगों ने एक सादगी से कोरोना काल को देखते हुए हम लोगों ने विवाह संपन्न किया, दोनों परिवार की मर्जी से, आशीर्वाद से आज हम दोनों एक हुए। और जिस तरह से बिहार के लोगों का, देश भर से सभी लोग जो आशीर्वाद दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, आपके माध्यम से उन सभी लोगों को हम दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। और एक नई ऊर्जा मिलेगी, और उस ऊर्जा को पूरा ध्यान जो है बिहार की जनता के सेवा में हम लगाने का काम करेंगे। और साथ ही साथ जो बड़ा मसला है, शादी तो हो गई, जो बिहार के लिए सबसे बड़ा जो इशू है, बेरोजगारी का है, महंगाई का है, गरीबी का है, इन सारी चीज़ों पे जो है खुल करके ज़मीनी स्तर पर लोगों की सेवा, उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। और जहाँ तक बहु भोज की बात है,
इसको जल्दी ही आप लोगों को भी नेता दिया जाएगा, पूरे बिहार के लोगों को, सभी लोगों को हम लोग नेता देंगे, और जल्दी ही दो चार दिन बाद जो है हम लोग डेट फाइनल कर देंगे, अनाउंस आप लोगों के बीच कर देंगे। क्योंकि आप जान रहे हैं पिछले बार जो तेज भैया की शादी हुई तो आपने देखा होगा मंच तक टूट गया, जगह नहीं है। अब ये हम लोगों को विचार करना पड़ेगा कि अगर बहु भोज दें तो स्थान क्या होगा, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग जो लालू जी को चाहने वाले लोग हैं, जो हम लोगों को प्यार देते हैं, आशीर्वाद। और आप लोग जानते हैं कि घर में लक्ष्मी आने से तो घर उजाला होता ही है। देखिए देखिए नाराजगी की बात, देखिए कौन क्या कहता है नहीं कहता है, बड़े लोग हैं, हमारा तो पहले भी सम्मान था, अभी भी हम लोग सम्मान के नज़रिए से देख रहे हैं। कोई अगर दुखी है नहीं है क्या कन्फ्यूजन है, इस पर हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। लेकिन जो तस्वीरें जो दिखाई जा रही थी, जब हमने उस समय भी कहा था कि जब आईपीएल हम खेलते थे तो ये कोई सेल्फी खिंचा के गया, वो बात सही है। ये वो मेरी जो बीवी है जो हुई है ये वो नहीं है, दो अलग अलग इंसान है। ये गलत कन्फ्यूजन लोगों को जो है क्रिएट किया गया, तो ये सब चीज़ों से उभरना चाहिए। और हम लोग नौजवान लोग हैं, नए सोच के हैं, नए विचार के हैं। जब हम ए टू जेड की बात करते हैं, भेदभाव हटाने की बात करते हैं, तो ये सब परंपरा, हम लोग तो लोहियावादी लोग हैं, समाजवादी लोग हैं, भेदभाव नहीं होना चाहिए। कैसे मुलाकात होगी सर? मुलाकात आज ही सब ले लीजिएगा, ठीक है? ये जो अपने नेता पर सब लोगों के लिए खुशखबरी है, इससे खुशखबरी और क्या हो सकती है। तो खुशी की बात है कि नए प्रणव सूत्र में बढ़ने के बाद पहली बार तेजस्वी जी और उनकी धर्मपत्नी आ रहे हैं। हम सब लोगों ने पहले भी परोक्ष रूप से आशीर्वाद दिया था, आज प्रत्यक्ष आशीर्वाद देंगे। बधाई हम लोगों ने पहले भी दिया है और सगाई की सूचना मिली थी तभी मैंने बधाई और मिठाई भी खिलाया था। आप सब लोग जो लोग मेरे यहाँ पहुँचा सब लोगों को मैंने मिठाई खिलाया था और शादी के बाद ही मिठाई चली है। और स्वागत है आज बिहार के पटना के धरती पर दोनों कपल का, और हम लोग काफ़ी गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे नेता शादीशुदा हो गए, पहले अनमैरिड थे तो आज शादीशुदा हो गए, काफ़ी खुशी हो रही है। पटाखा छोड़ेंगे ना? पटाखा छोड़ेंगे आज। अरे पटाखा छोड़ने वाला छोड़ रहा है और आप लोग भी पटाखा छोड़े हैं, और जिसको बम फोड़ना वही बम फोड़ रहा है। तो लेकिन हम लोग काफ़ी खुश हैं और पार्टी के हर स्तर पर पूरे बिहार में इसकी चर्चा है और अच्छी चर्चा। आज भी भोज भात है क्या? भोज भात होगा तो आपको काट जाएगा, और भोज भात करेंगे हम लोग। और हम समझते हैं कि बुलावा आएगा तो वो जाएंगे जी, निश्चित रूप से नेताओं को बुलाया आएगा और सबको हम लोग बुलाएंगे और सबको आमंत्रित करेंगे, महामहिम राज्यपाल से लेकर और मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को भी हम बुलाएंगे। जब होगा भोज तो इंतजार करें लोग, अप्लाई करेंगे तो 50,000 रुपया दिया जाएगा इंटरकास्ट। अब इस सब बात पर चर्चा करना उचित नहीं है, ये सब उनकी ओछी राजनीति का परिचायक है, ये सब और कुछ बात। दुल्हनिया पटना आ रही है, पटना आ रही है पहली बार, क्या शुभकामना देंगे? आज तेजस्वी जी की दुल्हनिया बिहार की बहू पहली बार पटना आ रही है, हम लोग उन्हें बधाई देंगे, शुभकामना देंगे और चाहेंगे कि वो जल्दी मुख्यमंत्री जी की पत्नी बने। बन गई, वो आ रही है, सब जनता से भेंट करेगा। एक भोज का आयोजन किया जाएगा जिसमें जो भी लोग छूटे हैं आमंत्रित नहीं हो पाए सब लोग को आमंत्रित। बहुत सारे लोगों की अपेक्षा है कि दुल्हन को देखे उनके साथ। अब तो दुल्हन, इस परिवार की दुल्हन, इस समाज की दुल्हन, इस राज की दुल्हन बन के आज पहुंच रही है, सब लोग देखेंगे, सब लोग उनके साथ। अंदर कैसी कैसी तैयारियां हैं? सामान्य सामान तैयारियां, सामान्य एयरपोर्ट पर कौन कौन है लाने के लिए? सब लोग देख रेखा।